Assalamualaikum YouTube family, welcome to my channel. आज की वीडियो whitening skin polish के बारे में है. तो सबसे पहले हम क्लींस करेंगे फेस को. क्लींजिंग मिल्क यहाँ पे मैं यूज़ कर रही हूँ, सॉफ्ट टच का. आप किस भी ब्रांड का भी यूज़ कर सकते हैं. क्लींस करेंगे हम फेस को 3 से 4 मिनट तक. क्लींजिंग करने से ये होता है कि अगर आपके फेस पे कोई डस्ट या मेकअप वगैरह है वो अच्छे से रिमूव हो जाता है, आपके पोर्स जो है वो क्लीन हो जाते हैं. ये जो मैं स्किन पॉलिश का मेथड आपके साथ यूज कर रही हूँ ये एक है, इसके अलावा भी और मेथड हैं जो मैं आगे आपके साथ शेयर करूंगी. मैं अपने चैनल पर बहुत जल्दी ब्यूटिशियन कोर्स स्टार्ट करने वाली हूँ जिसमें मैं आपको थ्रेडिंग, प्लकिंग, वैक्स, मेकअप, हेयर कट, हेयर कलर, मैनीक्योर, पेडिक्योर सारा कुछ ही स्टेप बाय स्टेप आपको सिखाऊंगी. तो अगर आप सीखना चाहते हैं तो आप मेरे साथ जुड़िए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरे वीडियो को लाइक कीजिए और फैमिली फ्रेंड्स में इसको शेयर भी कीजिए. क्लींजिंग मिल्क के साथ इसको अच्छे से मसाज करने के बाद आप इसको टिश्यू के साथ साफ कर लीजिए. आप इसको कॉटन के साथ भी साफ कर सकते हैं. मैं यहाँ पे टिश्यू यूज़ कर रही हूँ. आप कोशिश करें कि इसको वेट स्पंज के साथ ना साफ करें. टिश्यू या कॉटन के साथ ड्राई जो होगा उसके साथ आप जब साफ करेंगे तो अच्छे से ये फेस से रिमूव होगा डस्ट वगैरह जो भी है. क्लींजिंग मिल्क को साफ करने के बाद अब मैं टोनर अप्लाई करने लगी हूँ. मैं डर्माकॉस का टोनर यूज़ कर रही हूँ. आप किसी भी ब्रांड का टोनर यूज़ कर सकते हैं और अगर आप चाहें तो आप रोज़ वाटर भी एज अ टोनर यूज़ कर सकते हैं. टोनर से ये होगा कि अगर क्लींजिंग मिल्क भी हमारे फेस पे रह गया है तो वो भी अच्छे से रिमूव हो जाएगा और जो पोर्स ओपन हुए हैं वो भी मिनिमाइज हो जाएंगे. इन दो स्टेप्स के साथ ये होगा कि अगर आप फेशियल ब्लीच कुछ भी यूज़ करते हैं तो उसका रिजल्ट बहुत अच्छा आ जाता है और कोई साइड इफेक्ट भी नहीं होता. इसको फेस पे लगा रहने दें और इसको खुद ही ड्राई होने दें. स्किन पॉलिश पैक बना लेते हैं. मैं सारी चीज़ें सॉफ्ट टच की यूज़ कर रही हूँ. आप किसी भी ब्रांड की यूज़ कर सकते हैं. ये ब्लीच पाउडर लिया है मैंने, हाफ टी स्पून वाइटनिंग पाउडर है ये. ये भी मैं हाफ टी स्पून ऐड करूँगी. मैं फिर बता रही हूँ ये मेथड नंबर एक है. दूसरे सारे तरीके जितने भी हैं स्किन पॉलिश के वो भी मैं आपके साथ जल्द ही शेयर करूँगी. शाइनर लिया है मैंने 2 पम्प, सूदिंग लोशन भी 2 पम्प. ये वाइटनिंग बूस्टर है तो इसको भी मैं 2 पम्प जितना ही ऐड करूँगी. एक बात मैं बताऊं कि ये बूस्टर और ब्लीच पाउडर इसकी क्वांटिटी आप स्किन टाइप के लिहाज से बढ़ा भी सकते हैं और कम भी कर सकते हैं. ये मेरे पास डेवलपर है, ये मैं हाफ टी स्पून से थोड़ा सा ज़्यादा ऐड कर रही हूँ. वाइटनिंग कैप्सूल एक ऐड करेंगे हम और इसमें हम ऐड करेंगे टैल्कम पाउडर 2 चुटकी. इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है आपने ताकि इसमें कोई भी लम्स ना रहे. और इसको फेस पे अप्लाई कर देना है. आगे आने वाले वीडियोस में मैं आपको ये बताऊंगी कि किस स्किन के ऊपर कितनी क्वांटिटी में आप ये चीज़ें मिला सकते हैं. हम इसको रखेंगे, ये जो स्किन टाइप है इसके ऊपर आप 15 से 18 मिनट तक इसको रख सकते हैं और इससे कम भी रखें और इससे ज़्यादा भी रखें, ये स्किन टाइप पर डिपेंड करता है. आपने इसको लगा के छोड़ नहीं देना, 5-5 मिनट के बाद इस पैक को आपने मिक्स करना है.
15 मिनट हमने इसको रखा है, 15 मिनट के बाद अब इसको रिमूव कर रही हूँ मैं। आप कोशिश करें कि जब भी ब्लीच या स्किन पॉलिश कुछ लगाएं तो वॉश करें इसको, स्पंज यूज़ ना करें। मुझे वीडियो के लिए यहाँ पे स्पंज यूज़ करना पड़ा है, अदरवाइज़ मैं नहीं करती। ये मुझे ऐसे लगता है कि स्पंज यूज़ नहीं करना चाहिए। ये मेरे पास डबल एक्शन है, ये भी सॉफ्ट टच की है। इसके साथ हम 8 मिनट तक फेस पे अच्छे से मसाज करेंगे। वीडियो में आपको लग रहा होगा कि बहुत तेज़ और बहुत सख्त हाथ के साथ मसाज हो रहा है, तो ऐसा नहीं है। ये मैंने वीडियो को फास्ट किया हुआ है, 8 मिनट तक मसाज है, तो वीडियो बहुत लंबी हो जानी थी इसलिए मैंने इसको फास्ट चलाया है। आपने बड़े आराम से स्लोली स्लोली 8 मिनट तक इसका मसाज करना है और साथ साथ हाथ को पानी लगा के गीला करते रहना है ताकि सख्त हाथ ना लगे और स्मूथली हाथ के मूवमेंट होती रहे। मसाज के स्टेप्स जो हैं वो भी मैं डिटेल में इंशाल्लाह इस पर भी एक वीडियो बनाऊंगी। आप इस स्किन पॉलिश को प्रैक्टिस कीजिएगा और मुझे कमेंट में बताइएगा आपको इसका रिजल्ट कैसा मिला। आठ मिनट के बाद हमने इसको रिमूव कर दिया है। अब ये भी सॉफ्ट टच का है, ये स्क्रब नहीं, ये स्क्रब क्रीम इसको कह सकते हैं आप। इसमें बहुत ही माइल्ड जो है ना वो ज़र्रात हैं, बिल्कुल माइल्ड हैं, जो कि इसको इसीलिए स्क्रब क्रीम कहते हैं। मैं वो अप्लाई कर रही हूँ और इसका हम 5 मिनट तक मसाज करेंगे, हाथ को गीला करते रहेंगे साथ साथ। इनकी स्किन क्योंकि बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है तो इसलिए, और रेड स्किन बहुत ज़्यादा आई थी इनके फेस पे, इसलिए मैंने इसको यूज़ किया है। जिनकी एक्ने प्रोन स्किन है और हसास स्किन होती है सेंसिटिव, जिनकी उनको हम ये वाली जो स्क्रब क्रीम है ये यूज़ करते हैं। ये आपके मास्क अप्लाई कर रही हूँ, ये मड मास्क है। आप कोई भी मड मास्क यूज़ कर सकते हैं, आप मुल्तानी मिट्टी भी यूज़ कर सकते हैं। मास्क को हमें सुखाना नहीं है, इसको 20 मिनट तक हमने फेस पर रखना है और वो उसके बाद हमें इसको फेस से रिमूव कर देना है। या बिल्कुल टाइम जो हमारा 20 मिनट कंप्लीट हो गया तो अब हम इसको साफ करेंगे। ये है जी आफ्टर रिजल्ट। उम्मीद करती हूँ आपको समझ भी अच्छे से आया होगा और पसंद भी आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।